आप लोगों का स्वागत है इस मैन वर्सेस वाइल्ड में। आज हम नेपाल के चारकोसे झाड़ी देखने जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या मिलता है, क्या क्या होता है, क्या क्या खाता है ये डोना थापा। देखते हैं, चलो फॉलो मी। आज इस चारकोसे झाड़ी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा ऐसे मुझे लग रहा है। देखिए ये पाप पतिंगार मुझे लग रहा है 1914 का है। देखते हैं क्या क्या मिलेगा। बहुत खूबसूरत नज़ारा, चलो भाई। ये देखो, ओ माय गॉड, फुली फुल। ये तो कुछ अनोखा चीज जैसा लग रहा है, बहुत काम आने वाला है। ये जड़ी बूटी जैसा लग रहा है, इसको मैं दो चार लेकर जाऊंगा, आदमी और को खुआऊंगा, बहुत चस्तुरुस्त तंदुरुस्त बनाऊंगा। ये देखिए खूबसूरत, ये बहुत जड़ी बूटी है। ये प्राचीन लोग में वो समय में मानिस इसको औषधि कहा करता था। अब देखते हैं क्या क्या कुछ मिलता है। ये लेकर जाना पड़ेगा, रखता हूँ, चलो आगे देखते हैं कुछ कुछ। बहुत थकान सा लगा। ओ माय गॉड, ये देखिए नज़ारा। मुझे लग रहा है ये बहुत खतरनाक जानवर लोग का निशान है। देखिए सब खाना हुआ है। बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। चलो फॉलो मी। भागना पड़ेगा भाई, भागना पड़ेगा, थोड़ा दौड़ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमें गांव भी पकड़ना है। पानी का बहुत इंतजार है मुझे। चलो देखिए इस घना सा जंगल में चारकोसे झाड़ी में क्या मिला है। देखिए ये तो लग रहा है राउटे लोग का, बनमानसे लोग का बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा जैसा नज़ारा थोड़ा आगे से दिखाइए, इसे करीब और से दिखाइए। मुझे लग रहा है ये बुर्ज खलीफा है, जैसे दुबई में होता करता था वैसे ही बिल्डिंग है, बहुत टॉप क्लास बिल्डिंग। इसको छूने से राउटे लोग आ जाएंगे, इसीलिए भागना पड़ेगा। देखिए झाड़ी झाड़ी है, बहुत खतरनाक झाड़ी है। आइए आइए कुछ ऐसे ही नजारा देखने को मिले भाई। देखिए ये भी बुर्ज खलीफा का छोटा भाई जैसा लग रहा है। ओ माय गॉड, बुर्ज खलीफा छोटा भाई बहुत है इधर, घर ऐसे घर बहुत। और देखिए ये नज़ारा, ये तो लगता है 1920 का है ये रुख, ऐसे मुझे लग रहा है। उधर देखिए माउरी का झुंड, ओ माय गॉड, माउरी पकड़ लेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अब आइए मुझे फॉलो करिए, क्योंकि इधर बहुत खतरनाक होने वाला है। कमान ये देखिए माउरी का एक झुंड इधर ही पड़ा है। ये गोश्त मुझे लग रहा है बहुत अच्छे होने वाला है, बहुत खूबसूरत। थोड़ा मुझे चखना पड़ेगा। ये तो बहुत तीखा है, चलो चलते आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है। बहुत थकान, शाम भी ढलने वाला है, कुछ रुकने का इंतजाम भी करना पड़ेगा भाई। बहुत तकलीफ हो रहा है, भूखा पेट, मुझे सांस नहीं आ रहा है। आज इधर ही रुकते हम 672 माइल्स पार कर लिया है इस चारकोसे झाड़ी से। आज इधर ही रुकेंगे भाई, कुछ रहने के लिए कुछ अच्छा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। इधर बहुत भालू बहुत कुछ होता है, सावधानी से रहना पड़ेगा, आसानी से सोना पड़ेगा। ओके अब लेकर चलते हैं और उधर बनाते हैं एक बैठने वाला कुछ। बैठने के लिए कुछ बनाना पड़ता है। शाम भी होने वाला है, जल्दी जल्दी से बनाना पड़ेगा।
देखते हैं, इधर ही रात काटना पड़ेगा। बहुत थकान सा महसूस हो रहा है। तो 625 माइल्स नॉट ए जॉक भाई। देखते हैं क्या क्या मिलता है आगे। कल सुबह के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। बाय बाय, गुड नाइट। बहुत थकान सा भी लग रहा है, कुछ खाने के लिए नहीं मिला आज। और देखिए इधर कुछ साउंड आ रहा है, मुझे लग रहा है बाघ भालू भी है। बहुत मच्छर भी काट रहा है, ये देखिए मच्छर बहुत काट रहा है। ओह माय गॉड, आज कैसे मैं रात काटूंगा मुझे पता नहीं है, पर मैं काटूंगा इधर, क्योंकि मैन वर्सेस वाइल्ड में मैं आ गया हूँ। आप लोगों का स्वागत है। अब मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसे ही है, कुछ लेने के लिए ऐसे ही इंतज़ाम कर लिया है। ओके भाई लोग, कल मिलते हैं। कल के नज़ारा बहुत खूबसूरत होने वाला है। इधर मुझे लग रहा है कुछ मिल जाएगा। आज का शाम बहुत गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम खूबसूरत नज़ारा की ओर चलते हैं, देखते हैं आज क्या क्या मिलेगा। आज का शाम बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, नींद भी अच्छा आई। मुझे लगता है थकान हो रहा था, इसलिए था भयानक था। सुंगर लोग, बदे लोग बहुत कुछ आया था, पर इसने बचाया मुझे, शक 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 बचाया। ओ माय गॉड, देखिए ये, ओ माय गॉड, थोड़ा दूर रही। ये बहुत खतरनाक कातिल स्नेक है, अफ्रीका का बहुत खतरनाक स्नेक है। और इसको नेपाल में कहता है गोबान, और इंडिया में कहता है कोबरा। फूंकने से सिंह होता है आदमी लोग। चलो इस जानवर से बचते हैं, कातिल जानवर से। बहुत भूख लगा है, अब हम खाने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा भाई लोग। वो देखिए नजारा, मुझे लग रहा है उधर बंदर है। आइए, बंदर के पास कुछ होता है। बंदर जा जाएगा तो बहुत तकलीफ होगा। ये देखिए बंदर के पैक से मैंने निकाला है केला। अब ये खाएंगे। जागना पड़ेगा बंदर जागने से पहले। चलो आइए आइए आइए, बंदर देख लेगा तो मुझे मारेगा। बंदर देख लेगा तो मुझे मारेगा, इसीलिए छुप कर खाना पड़ेगा। ये बंदर का केला है, मैंने अभी अभी देखा है। बहुत भूख लग रहा है भाई लोग। मुझे लग रहा है घर नहीं मिलेगा तो आज मैं इधर ही ची हो जाऊंगा, पर इस केले से मैं और 5 दिन बचूंगा। बंदर को देखना नहीं चाहिए मुझे, इसे इधर लुकाता हूँ। बंदर देख लेगा तो मुझे मारेगा। और ये एक शाम को लिए रखता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जनाब, ये देखिए, ये प्राचीन टाइम पे समय पे बंदर लोग का माँ बाप, बंदर लोग स्कूल नहीं जाने से पीटने के लिए, मारने के लिए प्रयोग करता था ये स्टिक, ये लाठी। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और मुझे लगता है ये तो एक तो लेकर जाना पड़ेगा हमारा देश में, पर ये तो टिप नहीं सकते, तो क्या करते हैं, ढूंढते हैं, कुछ मिल जाते हैं। ये देखिए जनाब, मुझे मिल गया है। ये तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, इसको भी छुपाना पड़ेगा। चलो, यस हैप्पी आई एम। ओ माय गॉड, करीब आइए कैमरामैन। ये देखिए, ये क्या है इधर,
ये देखिए इलेक्ट्रोबियन, ओ माय गॉड जनाब, ये इलेक्ट्रोबियन तो गांव घर में झाड़ा पकड़ा लगने के लिए यूज करते हैं। मुझे लग रहा है गांव कोई आसपास ही है जनाब, गांव आसपास ही है जनाब। रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये देखिए आदमी लोग ने बनाया हुआ ग्राउंड देखिए, ओ माय गॉड, हम करीब है मंजिल के, करीब है, आइए मंजिल के बहुत करीब है, आइए 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 आइए, ओ माय गॉड हम घर आने वाले, कम ऑन आइए। ये देखिए नजारा, ये सब आदमी लोग ने बनाया है, तो गांव करीब नजीक है। चलो चलो रुकते नहीं है, रुकते नहीं है, पाँव थाकेंगे पर हम नहीं थाकेंगे। आइए भाई, ये देखिए राउटे लोग ने बनाया है, आइए। ओ माय गॉड, इधर कुछ आसपास है, गांव आसपास है। देखिए 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 गांव आ गया है, घर आ गया, हम लोग घर आ गया, मंजिल पे आ गया, लोग घर आ गए मंजिल। थैंक गॉड, भगवान के लिए शुक्रिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड लक, लव यू, गुड बाय।